इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में कल से शुरू होगा बीजेपी का मिशन ओबीसी। गैर यादव ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टी करेगी पूरे राज्य में कार्यक्रम। कल मेरठ से होगा अभियान का आगाज। 2 सितंबर को अयोध्या, 8 सितंबर को काशी में कार्यक्रम। केंद्र और राज्य के ओबीसी मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा। ओबीसी के हक के लिए लिए गए फैसलों की जानकारी देगी बीजेपी। कार्यक्रम में गैर यादव ओबीसी पर रहेगा फोकस। चुनाव से पहले मायावती की पार्टी में अखिलेश यादव की सेंधमारी। बीमार चल रहे बीएसपी विधायक और पूर्व मंत्री सुखदेव राजभर से मिले अखिलेश यादव। कई दिनों से बीएसपी से नाराज चल रहे हैं सुखदेव राजभर। मायावती को चिट्ठी लिखकर बीएसपी को मिशन से भटकी पार्टी करार दिया था। यूपी के एक और जिले का नाम बदलने की उठी मांग। जौनपुर के बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने सीएम योगी को लिखा खत। विधायक ने जौनपुर का नाम भगवान परशुराम के नाम पर करने की मांग की। कहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई जूना खान के नाम पर बदला था जिले का नाम। ब्राह्मणों के नाम पर सियासत कर रहे विपक्षी दलों पर बीजेपी विधायक का हमला। कहा, भगवान परशुराम के पिता के नाम पर चुप्पी क्यों साधे हैं विपक्ष। बीजेपी विधायक मनीष असीजा का दावा, एक हफ्ते में फिरोजाबाद में डेंगू से हुई 40 बच्चों की मौत। असीजा ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग पर लगाई बदइंतजामी के इल्जाम। कहा, नगर निगम ने मच्छरों को पनपने दिया, सफाई के लिए दी गई 50 गाड़ियों का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। असीजा के दावों को यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने खारिज किया। कहा, बच्चों की मौत की कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई। फिरोजाबाद पहुंची एक्सपर्ट्स की टीम। आज सीएम योगी मेडिकल कॉलेज का, सुदामा नगर का भी करेंगे दौरा। सीएम योगी ने अधिकारियों को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए। फिरोजाबाद समेत मथुरा मैनपुरी में विशेष टीम भेजने को भी कहा गया। यूपी में एसपी बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड खेलने पर भड़के कलराज मिश्र। कहा, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं दोनों पार्टियां। कलराज मिश्र का एसपी बीएसपी पर हमला। कहा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक विराट संस्कृति है। उनके नाम पर अपने हितों को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं। लखनऊ में हुए विद्वत समाज सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी शामिल हुए। महेंद्रनाथ पांडे ने एसपी बीएसपी का नाम लिए बिना कहा, विपक्ष को 5 साल बाद याद आते हैं ब्राह्मण। आगरा में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हुए शामिल। तिरंगा यात्रा में आपने दिया शिक्षा मुफ्त और बिजली मुफ्त का नारा। 403 विधानसभाओं में आप निकालेगी तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का आप पर तंज। कहा, अपना स्वार्थ साधने के लिए अयोध्या में निकालने जा रहे हैं यात्रा। राम मंदिर बनने के लिए यात्रा क्यों नहीं निकालते। 14 सितंबर को अयोध्या में होने वाली आपकी तिरंगा यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, अब तक जिन्हें राम के नाम से चिढ़ थी, उन्हें भी अब राम का नाम जपना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी कांग्रेस। गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों, कूली और रिक्शा चालकों से मिले सलमान खुर्शीद। खुर्शीद ने कहा, प्रियंका गांधी ने दिए लोगों से मिलकर मैनिफेस्टो बनाने के आदेश। समाज के सभी सेक्शंस को शामिल करने का है उद्देश्य। जल्द खुलेगा एम्स गोरखपुर, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने किया ऐलान, 2016 में रखी गई थी नींव। सीएम योगी ने एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं के लिए सांस्कृतिक और खेल उत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, खेलकूद से शरीर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मन स्वस्थ रहता है। जन्माष्टमी के लिए सज गई मथुरा नगरी, जगह जगह हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। शंखनाद और ढोल नगाड़ों से गूंजा श्री कृष्ण जन्मस्थल। कलाकार कर रहे हैं पारंपरिक डांस, कोई कान्हा बना तो कोई राधा रानी। जन्माष्टमी पर मथुरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास बनाया गया रेड ग्रीन और येलो जोन का सुरक्षा घेरा। जन्माष्टमी पर आज मथुरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्मस्थान में करेंगे दर्शन। दोपहर 3:30 बजे मथुरा के रामलीला मैदान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करें श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने निकाली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों के साथ उत्तर प्रदेश में निकली यात्रा। यूपी कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा भी यात्रा में हुए शामिल। श्रीकांत शर्मा ने कहा, जब से बनी है केंद्र और राज्य वाली डबल इंजन की सरकार, तब से दिव्यता और भव्यता से दोनों से होने लगा है हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार। यूपी में जन्माष्टमी पर भक्तों को तोहफा। जन्माष्टमी मनाने के लिए रात का कर्फ्यू हटाया गया। मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में हुई जन्माष्टमी की आरती। कान्हा जी को पहनाई गई श्री हरिचंद्रिका पोशाक। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। हरे कृष्ण की धुन पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। लखनऊ में बुर्का पहनकर ज्वेलरी की दुकान लूटने वाला गिरफ्तार। बुर्का चोर के साथ 2 साथी भी हुए गिरफ्तार। गोमती नगर इलाके में कल हुई थी वारदात। बुर्का पहने बदमाश ने तमंचा दिखाकर लूटे जेवर। बदमाशों के पास से बुर्का समेत सोने की 15 अंगूठी, 4 चेन, 10 लॉकेट, 27 कॉइन कान के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने ही रची थी लूट की साजिश। सुल्तानपुर में युवक को पेड़ से बांधकर पीटने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। युवक पर लगाया बकरी चुराने का इल्जाम।
लखनऊ के अलीगंज में लेडी कांस्टेबल पर लोहे की रॉड से हमला, लहूलुहान महिला सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। क्षेत्र में गश्त कर रही महिला सिपाही पर युवक ने की थी अभद्र टिप्पणी, सवाल पूछने पर किया हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी, खेत के पास से दो बच्चों के शव बरामद किए गए, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से दोनों बच्चों की हत्या करके शव को खेत में फेंका गया था, आरोपियों की तलाश जारी। नोएडा में पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार, चार मूर्ति पर पुलिस की चेकिंग के दौरान दो बाइक सवारों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में रहा कामयाब, तलाश जारी, चोरी की बाइक जब्त। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी, 18 जिलों के 619 गांव प्रभावित, 148 गांव को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाली सड़कें ब्लॉक हुई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात, बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाए गए 1000 से ज्यादा शेल्टर कैंप। इटावा में बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंसी रोडवेज की बस और बुलेरो कार, डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद जेसीबी की मदद से निकाला गया। अंडरपास में फंसी बुलेरो कार में सवार मरीज की हालत बिगड़ गई थी, सैफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 17 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए, एक्टिव केस की संख्या 269। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा टीके लगे, 5 करोड़ से ज्यादा लगी पहली डोज, 1 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लगाई गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।